आजकल की जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा दौड़ भाग हो गई है, और ऐसे में एक चीज़ है जो सभी के साथ हो रही है, वो है उनकी हेल्थ या फिटनेस का गिर जाना। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है उनकी नींद पूरी नहीं होती है। अब नींद पूरी नहीं होती है ये आप कैसे पता करेंगे? कि आप क्या घड़ी को देख के पता करते हैं कि हमने इतने घंटे आराम किया है और हमारी नींद पूरी हो गई है? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी की कुछ नीड्स होती हैं, और अगर आप एक अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो फिर आपकी बॉडी धीरे धीरे आपकी सेहत का स्तर जो है गिरता जाता है। क्योंकि एक अच्छी नींद जो है बहुत सारी बीमारियों से आपको होने से बचाती है, और सोने की पोजीशन भी सही होनी चाहिए और नींद भी पूरी लेनी चाहिए। तब ये सभी चीज़ें जो हैं आपको बिना मेडिसिन के ही आपकी बॉडी को काफ़ी अच्छे से रिपेयर कर देती हैं, बहुत सारी आने वाली प्रॉब्लम से आपको बचा लेती हैं। और इस पर मैंने वीडियो बनाई थी कि कैसे आपको सोना है और सोने की सही पोजीशन क्या है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप एक अच्छी नींद ले सकें। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आप की नींद पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, इसका पता आप कैसे? जैसा कि आपको पता ही है कि सब भी जानते हैं 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो हमें लेनी चाहिए, और एक इसका टाइम माना हुआ है। अब आप कहेंगे कि इतना तो हम सोते हैं या फिर आधा घंटा या एक घंटा कम या ज़्यादा सोने से क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन ये आपका आधा या एक घंटे रोज़ाना का जो कट होता है वो आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है, और इसी की वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। तो इसलिए प्रॉपर नींद लेना ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर नींद ले रहे हैं और अगर आप टाइम से बात कर रहे हैं तो आपकी बॉडी खुद इंडिकेशन देती है कि आपकी जो नींद है पूरी नहीं हुई है, और ऐसे में आप उन इंडिकेशन को समझ सकते हैं और आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, एक अच्छी नींद दे सकते हैं। अच्छी नींद लेते हैं तो आपको एक तो हाई बीपी की समस्या कभी नहीं होगी, दूसरी मेंटल जो प्रॉब्लम होती हैं वो कभी नहीं होंगी, और तीसरी होती है डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा आपस में जुड़ी हुई हैं, और इन्हीं से दूसरी चीज़ें प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती हैं। एक हेल्दी मन और हेल्दी तन ज़रूरी होता है एक अच्छी लाइफ के लिए। तो इसलिए जब भी आपकी बॉडी में नींद की कमी होती है तो वो आपको इंडिकेशन देने लगती है। इंडिकेशन वो कैसे देती है? जैसे कि आप अलार्म लगा कर सोते हैं और आपने टाइम फिक्स कर रखा है कि हमें जागना है, और आपका अलार्म बज रहा है, आप जागते हैं, अलार्म की रिंग बंद कर देते हैं और फिर से सो जाते हैं, या फिर आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, आँख खोल के उठने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बार बार झपकी आ रही है, इसका मतलब है कि आपकी जो नींद है वो पूरी नहीं हुई है, आपको और सोना चाहिए। लेकिन हमें ज़रूरी काम होते हैं या हमारे टाइम टेबल जो है बिजी शेड्यूल रहता है, जिसकी वजह से हमारी इस तरीके की जो नींद है रोज़ाना ही कम होती जाती है, जिसकी वजह से आपको मेंटल प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, चिड़चिड़ापन आपकी बॉडी में आ जाता है और हॉर्मोन्स इम्बेलेंस होने लगते हैं। तो ये आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर डालता है, जिसकी वजह से आपका एकाग्रता की कमी, याददाश्त की कमी होने लगती है। तो ये आपके मेंटल लेवल पर इस तरीके से प्रभाव डालता है। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आप सो रहे हैं और आप जागने की कोशिश कर रहे हैं और आपको जाग कर चाय पीने की आदत है, तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, सभी लोग चाय या कॉफ़ी या कैफीन लेते हैं, लेकिन आपको जागने के लिए चाय कॉफ़ी लेनी पड़ रही है, तो ये इंडिकेशन देती है कि आपकी जो नींद है वो प्रॉपर पूरी नहीं हो रही है और आपको और ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, आपकी बॉडी और आराम मांग रही है। तो अगर आप एक से ज़्यादा या फिर आप बिस्तर से उठने के लिए चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो ये इंडिकेशन है। अगर आप बिना चाय या कॉफ़ी के जाग नहीं पा रहे हैं, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, तो ये इंडिकेशन है कि आपकी जो नींद है वो पूरी नहीं। नेक्स्ट चीज़ होती है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनने लगी है, ब्लोटिंग की समस्या है, इनडाइजेशन की समस्या है, ये आपकी बढ़ती जा रही है, एसिड रिफ्लेक्स की समस्या जो है बढ़ती जा रही है, तो ये भी आपको बताती है कि आपकी जो नींद है वो पूरी नहीं हो रही है। नींद पूरी नहीं होने से हमें बहुत सारे नुकसान भी उठाने पड़ते हैं, जैसे कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है और आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको ड्राइविंग के बीच में झपकी आ सकती है, जो कि बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी नींद
पूरी जरूर हो, चाहे जितना आपका बिजी शेड्यूल हो, लेकिन अपने नींद के लिए प्रॉपर टाइम जरूर निकालें। चाहे आप कुछ टाइम के लिए टीवी या मोबाइल या गेम जो हैं आप यूज़ करते हैं, ये टाइम तो हम खुद सेट करते हैं, तो सेहत से बढ़ के कुछ नहीं होता, तो उसको ज़रूर एडजस्ट करें। नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपका सोने और जागने का टाइम जो है फिक्स कर लें। 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो आपको ज़रूर लेनी है। नींद ऐसी जगह पर लें आपका बिस्तर क्लियर एकदम साफ़ हो, आरामदायक हो, और वहाँ पर आपकी जो लाइट है वो कम हो और शांति हो। इस तरह की जगह पर सोने पर आपको नींद बिना डिस्टर्ब किए या बिना बार बार खुले आपकी नींद जो है एक बार में पूरी हो सकती है। रिलैक्स होकर सोना है, टेंशन लेकर नहीं सोना है, तो ये सभी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपकी नींद जो है 7 से 8 घंटे में पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्ट्रेस के साथ में, चिड़चिड़ेपन के साथ में, कोई टेंशन के साथ में सोते हैं तो आपकी नींद जो है पूरा टाइम लेने के बाद भी पूरी नहीं होती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना है और एक हेल्दी लाइफ जो है आप जी सकते हैं और इन सभी होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो आगे आने वाले 4-5 साल में आपको 90% बीमारियां हो जाएंगी। क्योंकि अगर जो लोग अच्छी नींद लेते हैं उनको नींद ही 90% बीमारियों से सुरक्षा देती है, रिलैक्स रखती है। क्योंकि अगर आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है तो आप सामाजिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। अगर आपका डाइजेशन सही से काम नहीं कर रहा है तो आप फिजिकली तौर पर और शारीरिक तौर पर तो नुकसान भुगतेंगे ही। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वीडियो की जानकारी कैसी लगी है ये भी बताना है। आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पर पूछना चाहें तो यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।